हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं बानो जाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले ब्लॉग में, तो पेंटिंग वाला नहीं है, रिपेयरिंग का काम है, बट पेंटिंग हो चुका है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब हम लोग का टूर कैसा रहेगा, और वैसे हम लोग बाइक पे नहीं जाने वाले हैं, आप खुद देख लोगे आगे। तो दोस्तों, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, लेट्स रॉक। तो दोस्तों, हम लोग काम के लिए निकल चुके हैं और हम लोग पहुंचे हैं लोएंगा, वही पेट्रोल पंप है और यहाँ पे तेल भरा रहा है गाड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो पे, क्योंकि बालू, चिप, सीमेंट वगैरह ले जाना था, इसीलिए हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। और काफ़ी दूर भी है और ऑटो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा बोल के हम लोग ऑटो पे ही जा रहे हैं। तो ऑटो हम लोग बुक कर लिए थे, मतलब कल ही, मैंने नहीं बताया लेकिन आज बता रहा हूँ। तो ये देखिए आ रही है ऑटो, यही है। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग को काम करना है। तो आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या करना है यहां पर हम लोग। तो ये देखो, यहां पर ये टूटा हुआ है और वैसा ही टूटा टूटा सभी जगह है। देखिए, खिड़की पूरा टूट गया है और ये देखिए यहां पर पूरा, इधर भी पीछे साइड पूरा टूटा हुआ है। तो यही काम के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी के वजह से हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है और 2-3 महीना हो गया ये काम किए हुए। और अंदर साइड आपको दिखा देते हैं कैसा काम किए थे, तो देख लीजिए। तो ये देखो दोस्तों, ऐसा काम हुआ था यहाँ पर, पूरा पेंटिंग का ऐसा ऐसा काम हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बानो। जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग खाना लेने के लिए आए हैं, तो हम लोग भी कुछ खाने के लिए ले जाएंगे, अपने लिए भी, चाहे खा के ही जाएंगे हम लोग। और यहाँ मार्केट भी है तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, घूम के 20 रुपये किलो। तो देखो दोस्तों, सब जगह आम ही आम और 20 रुपये केजी। भिंडी कैसे? भिंडी तो दोस्तों, मार्केट तो शायद आज छोटा मार्केट है और इस साइड कपड़ा ही खाली है, और यहाँ पीछे एक मंदिर भी है सुंदर सा। तो दोस्तों, हम लोग खा रहे हैं मूंगफली बादाम। तो नारायण भैया कुछ पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो तो मिला नहीं, जिसको पुट्टू बोलते हैं, रुगड़ा, वही ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे, मतलब कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग ये होटल पे रुके हैं, यहीं से ले जाएंगे थॉमस भोजनालय। तो यहीं से रोटी पैक करवाएंगे और हम लोग खाना खा लेते हैं यहीं पे। पिछले जब काम यहाँ पे करवा रहे थे पेंटिंग वेंटिंग का, तो यहीं आके खाना खाते थे। तो दोस्तों, खाना तो आगे हम लोग का, तो हम लोग खा लेते हैं और नारायण भैया खा रहे हैं। और काफ़ी अंधेरा सा है ये जगह।
तो हम दोनों ने खाना खा लिया है और अब चलेंगे। यह देखिए उन लोग के लिए पार्सल, इसमें रोटी है और सीधे निकलेंगे हम लोग वहीं पर। तो ऑटो के अंदर काफ़ी आवाज़ सुनाई देता है, मतलब इंजन का काफ़ी नॉइजी फील होता है, इसीलिए मैं अंदर में कुछ वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। नारायण भैया चला रहे गाड़ी, तो काम हम लोग का 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे। नारायण भैया जा रहे हैं, कुछ बोरा का ज़रूरत है उन्हें, तो बोरा लेने जा रहे हैं। तो शायद नारायण भैया को बोरा नहीं मिला इसीलिए वापस आ रहे हैं, अब दूसरे दुकान जाएगा शायद। तो फिर पहुंच गए हम लोग वही काम जगह, आप देखते हैं कैसा काम हो रहा है, देख लीजिए आप भी। तो दोस्तों फिलहाल काम तो इतना हुआ है, देख सकते हैं वर्कर जो हैं अपना लंच करने गए हैं, देखिए इतना काम हुआ है, मतलब 2 दिन लग ही जाएंगे गाइस। अंदर नारायण भैया सो रहे हैं शायद, बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। दोस्तों हम लोग का काम इतना सा हुआ और एक दिन लग जाएगा इसमें, एक दिन में फाइनल नहीं ही होगा ये, तो कल भी आना ही पड़ेगा हम लोगों को। और इस साइड भी हल्का खाली मसाला को डाल दिया है, तो थोड़ा सेट होगा, जमेगा, उसके बाद ही करना होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्या पता बारिश भी हो सकती है। टीथ भी दिखा दो, टीथ का क्या पानी है रे पैर में, ई क्या पानी है, पायल है ना, वो सिर को ऊपर करो, अच्छा पायल पहनती है, कर दो हेलो, कर दो मैया बोलो। देखो यहाँ पे पूरा पेंट हो गया है, गीला है, पायल पहनी है, छम 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 करती है, अच्छा। तो यहाँ 10 दिन के बाद तो शायद नहीं 10 दिन के अंदर में एकदम यहाँ पे पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा। फेवर ब्लॉक जो बिछा रहा है वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद पेट्रोल पंप चालू हुआ, हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम लोग नज़दीक के हैं ना, तो यहाँ पे भराने में चाहे दिक्कत, मतलब कभी कभी बंदी होता है तो बंदी उंदी मतलब स्ट्राइक रहता है, उस समय हम लोग पहले ही भरा लेंगे, वो फ़ायदा होगा हम लोगों के लिए। और हम लोग डेली भराने वाले हैं, मतलब स्टॉक नहीं रखते हैं कि हम लोग को कहीं जाना है पहले से 1500 का भर के रख लिए। साक्षी यहाँ खेल रही है और साक्षी को मारेंगे अभी हम। साक्षी क्या करती है रे, क्या कर रही है, बालू देती है हमको, नहीं खाएंगे हम, बालू खाते हैं क्या, बाय बाय करो इधर, बाय बाय, आज हम लोग ज्यादा बात नहीं किए, दांत भी दिखा दो एक बार, टीथ, और मुंह को भी बना दो। अभी हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे इसलिए आज बाय बाय कर रही है। टाइम अभी 6 बज रहे हैं और मैं आधे घंटा पहले ही पहुंच गया था, तो साक्षी के पास गया था थोड़ा सा। दोस्तों मुझे अभी चाय पीने का मन हो रहा है, सो मैं अभी चाय पीने जाऊंगा, जाके आते हैं। गाइस परसों से मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है, इसलिए पेट्रोल डला के आते हैं, उसके बाद आके चाय पिएंगे। दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है शाम को चलने में, क्योंकि शाम का वक्त बहुत मजा आता है, लौटते समय यहीं पे पी लूंगा चाय, क्योंकि अपना ढाबा में पिए हुए बहुत दिन हो रहा है, तो देखते हैं गाइस कैसा मजा आता है, पहले का टेस्ट है या नहीं। तो दोस्तों मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ,
तो गाइस चाय पी के तो मैं चला जाऊंगा घर। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। कल फिर एक नए ब्लॉग पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।